खबर उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर गदरपुर से, जहां 6 अगस्त सोमवार को गदरपुर के पास मस्जिद में वैशुर ढाबा पर स्वागत कार्यक्रम के उपरांत सभी कांग्रेस जन बहुत बड़ी संख्या में मुख्य अतिथियों के आने से पहले एकत्रित हुए। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राजेंद्र पाल सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया और कहा, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से सन 2022 के चुनाव में अवश्य रूप से जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं आपको बताता चलूं कि लगातार देश में गैस, पेट्रोल, डीजल युवा बेरोजगार की कगार पर है और सैकड़ों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। सन 2022 में कांग्रेसी एकजुट होकर पूर्ण ताकत के साथ भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्य करेगी। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं को देखकर राजेंद्र पाल सिंह गदगद हुए। देखिए गदरपुर से सानू रली की रिपोर्ट। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज परिवर्तन यात्रा का आखिरी दिन है और रुद्रपुर में समापन होना है इस यात्रा का। उससे पूर्व गदरपुर में जनसभा होनी है और गदरपुर से पूर्व हमने यहाँ पर एक स्वागत का कार्यक्रम रखा था, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पॉपुलर डिमांड। मैं आश्चर्यचकित हूँ जिस तरह की व्यवस्था यहाँ हमने स्वागत के लिए की थी, आप स्वयं देख रहे हैं, वो सारी व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो गई, क्योंकि जन सलाह हमारे आदरणीय नेतागण और शीर्ष नेतृत्व को देखने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए इस कदर उमड़ के आया है। उनके हृदय में जो प्यार, जो मोहब्बत कांग्रेस के लिए और हमारे लिए, वो आज प्रदर्शित हो। निश्चित रूप से आपने मुझसे सवाल पूछा है 2022 में हम क्या देखें, तो जनता का ये रुझान तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और गदरपुर से जो भी प्रत्याशी कांग्रेस का होगा वो विधायक बनकर देहरादून जाएगा। भयंकर जीत दर्ज करने जा रहे हैं, कम से कम 45 सीटों का सर्वे आ रहा। जब भाजपा ने अपना पहला मुख्यमंत्री बदला था और फटी जींस वाले मुख्यमंत्री को लेकर आए थे, तो उन्होंने अपने सर्वे में कांग्रेस बहुत अच्छी तरह से जीत रही थी और वो बुरी तरह से हार रहे थे, बीजेपी को मात्र 17 सीट मिल रही थी। फटी जींस ने जो कुछ किया, जो वर्तमान मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है, और इन तीनों ने जो कुछ किया इसके ऊपर ये कहें माशाल्लाह तो बन गए। पर नरेंद्र मोदी जो कुछ उसने करा है, उसने तो सारी हदें पार कर दी, महंगाई की, महिला सुरक्षा के नाम पे क्या स्थिति है, यहाँ पर रोजगार के नाम पे क्या स्थिति है, नौजवानों के लिए कोई योजना नहीं है, पूरा हिंदुस्तान दिशाहीन समझ लीजिए बगैर नेतृत्व के चल रहा है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, कोई विदेश नीति नहीं है, बिल्कुल बर्बादी के कागार पर है हिंदुस्तान। तो निश्चित रूप से तुरंत परिवर्तन जनता चाहती है और कांग्रेस को पुनः स्थापित करना चाहती है 2022 में राज्य में और 2024 में केंद्र। मेहरबानी, बहुत बहुत सारे मुद्दे मालूम है, महंगाई में हिंदुस्तान में क्या हाथ कर रखा है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस, रोजगार की क्या स्थिति है, शिक्षा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, हमारी मातृशक्ति किस तरह से पीड़ित है, नौजवान किस तरह से पीड़ित है, रोजगार के लिए रो रहे हैं, आमदनी नहीं है, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला जा रहा है और डाला जाएगा।